अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आलू मोंगरे की रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 पाव मोंगरे यूज़ कर रही हूँ, 2 मीडियम साइज़ के आलू, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून पीसी हुई हल्दी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 से ज़्यादा कप कुकिंग ऑयल, 6 अदद हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 बड़े साइज़ की प्याज। एक मैं कढ़ाई लूँगी, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। प्याज का कलर हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज का कलर मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है, अब मैं इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च और नमक। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1/2 चाली पानी ऐड करूँगी। इसे मिक्स करके अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी मसाला गलने के लिए। पाँच मिनट के लिए मैंने मसाले को लो फ्लेम पे रख दिया था गलने के लिए। ये तैयार है, अब मैं इसके अंदर आलू मोंगरे ऐड कर दूंगी। मोंगरे ऐड करने के बाद पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है, अब साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। पैंतीस मिनट के बाद मैंने पहले आपको दिखाया था ये बनके तैयार थी, लेकिन आलू को गलने में टाइम था। 15 मिनट मैंने इसे मज़ीद लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था, यानी कि टोटल 15 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार है। अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करने के बाद इस पर कसूरी सूखी मेथी ऐड कर दूंगी मैं खुशबू के लिए और इसे कवर करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आलू मोंगरों की डिश बन के तैयार है। ये बहुत ही मज़े की डिश है, आप इसे ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।